फिर मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या बनाने का सोच रही हूँ। ओके, सो ये है मेरे चार आउटफिट्स जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखो, शादी के लिए क्या लिया है, रस्मों के लिए क्या लिया है, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नहीं तो मजा नहीं आएगा ना, वो तो आप डायरेक्टली रस्मों में हम लोगों ने क्या क्या पहना है तब देखोगे, तो उसकी फ्रेशनेस भी रहेगी और मजा भी आएगा। सो नॉर्मल पहनने के लिए मैंने अपने लिए ये चार लिए हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये लिया है 3 मीटर्स, क्योंकि मैं इसका टॉप बनाने वाली हूँ और जो हमारी स्लीव्स हैं वो भी बेल बनेंगे। नॉर्मली 2.5 में काम हो जाता है, लेकिन जब मैं इस तरीके का कोई यू नो स्पेशल फैब्रिक लेती हूँ तो मैं 0.5 मीटर एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। वेस्ट नहीं होता, आप दुपट्टे पे बॉर्डर लगा लेते हो, लेकिन अगर कुर्ते का कोई पैटर्न आपको डिजाइन करते करते अलग लगे और फिर कपड़ा कम पड़े तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मैंने इसके साथ जो है लाइनिंग का कपड़ा लिया है, ये आप शेड देख लीजिए, ये देखिए। सो ये शेड हमारा बन के आएगा और इसी कपड़े की पैंट बनेगी और यही कपड़ा नीचे एज अ लाइनिंग भी लगेगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं कि हम इसका डिजाइन कैसे रखेंगे। ये ना डीप वी बनता है एक क्रॉस कॉलर के साथ, जो मैंने सॉरी फॉर द ड्राइंग, बहुत ही बुरी ड्राइंग करती हूँ मैं, लेकिन देखिए मेरी ड्राइंग मैं शफीक भाई को भी समझा देती हूँ और जमील भाई को भी समझा देती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। एंड ये जो नेक है ये मैंने अपने पुराने वाले ग्रीन एक सूट में पहना था, जिसमें मैं वो खीर वाले ब्लॉग में जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो कॉटन का फैब्रिक था। सो इट्स बेसिकली वो यहाँ से पूरा ऐसे ओवरलैप होता है नेक। सो इसमें मैं वो डीप रखूँगी और उसके सेंटर में हम, क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी सी एजिंग है, तो ये हम ऐसे डालेंगे और इसके इधर से वो एक बहुत ही बड़ा सा ऐसे कॉलर टाइप आएगा, तो वो बन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो वो हम रखेंगे नेक। सो यहाँ पे हमारा आ गया नेट, ओके, और ये हो गए हमारे शोल्डर्स और ये हम बनाएंगे फुल लेंथ का कुर्ता स्ट्रेट कट और इस पे होगा हमारा बेल स्लीव्स। इसके साथ हम नीचे रखेंगे पेंसिल फिट पैंट्स। वो एक ऐसे नहीं छोटा सा स्लिट होता है साइड में पेंसिल फिट पैंट में, लास्ट में इतने में वैसा रखेंगे। एंड इसका जो मैं दुपट्टा लूंगी ना, वो दुपट्टा मैं सेम कलर का शिफॉन का डाई करवाऊंगी एंड उसकी एजिंग पे ऐसा मैं एम्ब्रॉयडरी करवा लूंगी। तो जमील भाई को बोलूंगी कि उसके स्कैलप्स के शेप में कटिंग करे और उसे इस तरीके की एजिंग दे दे, तो वो मैच भी हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगेगा। अगर आप में से कोई ऐसा कुछ बना रहे हैं, अगर आपको हैवी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो दुपट्टे का मटेरियल डाई करने दे रहे हैं वो आप ऐसा मतलब यू नो या तो सीक्वल वर्क के साथ ले लो, लेकिन हाँ अगर गोल्डन सीक्वल वर्क होगा तो सीक्वल डाई नहीं होगा। एंड इसमें अगर आपने लेस वगैरह लगा दी तो ना इसका इस फैब्रिक का ग्रेस चला जाएगा, तो इसलिए इसे आप जितना सेल्फ में रख सकते हैं उतना ज्यादा ये खूबसूरत लगेगा। सो मैं एक रफली दुपट्टे का भी कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। चलिए, दिस आउटफिट इज लॉक्ड।